बस बस ठीक सर। ठीक है, अब दिख रहा है क्लियर? ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। सो इन द लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर स्टेडी स्टेट इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, दैट इज पार्टिकल इन अ बॉक्स। सो दिस इज वन ऑफ द फेमस एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, और इसको हम लोगों ने मैथमेटिकली लास्ट क्लास में ड्राइव करने की कोशिश किए थे। तो थोड़ा सा हम एक इस क्लास को आगे बढ़ाने से पहले इसको ओवरव्यू कर लें, जस्ट एक रिविजन हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा टिपिकल है, कुछ कैलकुलेशन है, कुछ पॉइंट्स है जिनको ध्यान में रखना चाहिए। सो दिस इज दैट बॉक्स इन विच वी आर जस्ट ट्राइंग टू सर्च वन पार्टिकल। एक पार्टिकल है जो इस बॉक्स के अंतर्गत है। हमने इस बॉक्स को वन डायमेंशनल लिया था, सो दैट this side is written as x is equal to 0, second side is equal to x is equal to l. So the size of this box, this is l along x axis. Particle is inside this. अब ये particle जो है वो कहीं पर भी हो सकता है, इसका moment हो रहा है। Moment अगर कोई momentum में है, मतलब कहीं पर stable नहीं है, means इसकी potential energy u x is equal to 0. क्योंकि ये moment में, motion पे, हम दो प्रकार की energy की बात करते हैं, kinetic energy और potential energy. अगर ऑब्जेक्ट अगर कोई रेस्ट में भी नहीं है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा अगर वो मोशन पे है। एंड हियर इन दिस टू बाउंड्रीज दैट पोटेंशियल एनर्जी दिस इज इक्वल टू इनफाइनाइट, वो इसको इसलिए मानते हैं क्योंकि एक पार्टिकल इस बॉक्स के वॉल से जाता है, जाकर के बाउंस हो जाता है, टकरा करके वापस आ जाता है, चिपकता नहीं है, स्टिक नहीं होता, मीन्स ये इनफाइनाइट पोटेंशियल वॉल है। सो दिस इज दैट रिजिड वॉल्स वन कैन से, जहां पर बॉल जो है वो दैट पार्टिकल जो है वो पहुंच जा रहा है। अब इसके लिए हमने श्रोडिंगर इक्वेशन लिखा। श्रोडिंगर के लिए चूंकि ये टाइम इंडिपेंडेंट है, सो वी आर यूजिंग श्रोडिंगर इक्वेशन दैट इज टाइम इंडिपेंडेंट। दिस इज पर साइड डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 एम बाय एक्स क्रॉस स्क्वायर ई माइनस यू एक्स, दिस इज विद साइड इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल श्रोडिंगर इक्वेशन व्हिच इज टाइम इंडिपेंडेंट। अब इसको इस पार्टिकल केस के लिए कन्वर्ट किए, सो इन this case what we are trying this u x it is equal to 0 inside the box ke andar potential ki value hai that is 0, so this equation will be converted into del x psi by del x square plus 2 m e by x plus square and psi is equal to 0. ek simple partial differential equation mein convert ho gaya jisko hum ek aur constant yahan par assume kar le rahe hain. So here we are assuming this is equal to k square. So this is del square psi by del x square plus k square psi is equal to 0, where k is equal to root of your k square is equal to 2 m e by x square square. Just a minute. So this is that equation, del square psi by del x square plus k square this, and let us assume the solution is assumed as psi is equal to a constant a sine kx plus b cos kx. एक simple natural logic है जो partial differential equation के solution में करते हैं, जब तुम maths पढ़ोगे तो इस तरह का simple solution तुम्हारे पास होगा, and ये a और b इन दोनों coefficient की value जो है वो इस प्रकार के सॉल्यूशन में कैलकुलेट किया जाता है। और इसके लिए हम ए और बी कैलकुलेट करने के लिए हम फिर दो बाउंड्री कंडीशन लिए थे। सो वी हैव टू बाउंड्री कंडीशंस, सो द बाउंड्री कंडीशंस, ये बाउंड्री कंडीशन कौन कौन सा, दो बाउंड्री कंडीशन था, सो एट पहला बाउंड्री कंडीशन
x is equal to 0, psi is equal to 0, क्योंकि वॉल पर पार्टिकल की एग्जिस्टेंस 0 है, बाउंस हो जा रहा है. सो दिस x is equal to 0, psi is equal to 0, इस वैल्यू को अगर हम इसमें पुट करते हैं, so that this is equal to 0, which is equal to k sin k multiplied by 0 plus b cos k multiplied by 0. So, ये टर्म तो ऐसे भी साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये टर्म तो ऑटोमेटिकली जीरो हो गया एको मल्टीप्लाई करने पर. जो सेकंड वाला जो टर्म है उसमें हो रहा बी मल्टीप्लाई बाय कॉस 1, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है. सो व्हेन कैलकुलेट दिस दिस सिंस कॉस 0 इट इज इक्वल टू 1, सो बी मल्टीप्लाई बाय 1 इट इज इक्वल टू 0, सो बी इज इक्वल टू 0. तो एक कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो हमारे पास बी की वैल्यू 0 आ जाता है. नाइन ट्रिवियल सॉल्यूशन है ये. अब सेकंड फिर हम लोगों ने कैलकुलेट करने की कोशिश किया था ए को, इसके लिए हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन यूज किए. तो द सेकंड बाउंड्री कंडीशन ये सब तुम्हारे पास लिखा होगा, है ना. मैं जस्ट ओवरव्यू कर रहा हूँ, रिमाइंड करा रहा हूँ कि हम लोगों ने इस पे क्या क्या किया था और किन बातों को ध्यान में रखनी चाहिए. सो बाय यूजिंग सेकंड बाउंड्री कंडीशन, सेकंड बाउंड्री कंडीशन what was that? That was this at x is equal to l here in this boundary that psi is still equal to 0. तो यहाँ पर भी पार्टिकल बाउंस हो जा रहा है, तो this psi is equal to 0. अब इसको हमें यहाँ पर पूछ करनी है. b हम लोगों ने 0 ले आया है, हमारे पास सबसे पहले बचा हुआ है. so psi is equal to a sin kx and then this by putting this so this psi l it is equal to a sin k multiplied by l and this is 0. so a sin k l it is equal to 0. so here this sin k l it is equal to 0. K l it is equal to n pi with plus minus from trigonometry. हम जानते हैं कि sin की जो वैल्यू होगा वो 0 कब होता है. so this k is actually equal to plus minus n pi by l. This is the value of k. तो यहाँ पर k की वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट किया. इस k की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे. पुट करने के बाद फिर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज करते हैं. और यूजिंग दैट नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, तो दिस इज k एंड नाउ बाय यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन साथ साथ तुम लोग भी सॉल्व करते हुए चलते जाओ. मैंने जो लिख के रखा हो उसमें कहीं अगर कोई डाउट हो तो क्वेश्चन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन इज द साइन स्क्वायर देन एक्स इज इक्वल टू 1 विद इन दिस बॉक्स, मींस दिस इज फ्रॉम 0 टू l. ये पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर कहीं पर तो है, नहीं ऐसी बात नहीं है, कहीं पर तो एग्जिस्ट करता है. so we will take this limit 0 to l and the probability is calculated by this psi square. this is probability density dx is equal to 1. so we put this psi by putting this k is equal to nx. so what we will have this integration of 0 to l, constant is a with a square. so this is a and sin n pi by l x इंटीग्रेट किए थे. इंटीग्रेट करने के बाद जब हम लोगों ने ये लिमिट यहाँ पे रखा था तो हमारे पास ए स्क्वायर a square की जो वैल्यू आया था that was actually equal to l by 2 and 2 by l and then a is equal to root of 2 by l. this was the value of that coefficient a. so b की वैल्यू हमारे पास 0 आया था, a की वैल्यू हमारे पास आया था root of 2 by l. इस वैल्यू को यदि हम यहाँ पे पुट कर दें तो that wave function will be, so the final wave function will be so therefore the wave function
sine, which is equal to a sine kx, this is equal to root of 2 by L. Here a is equal to root of 2, and this sine k can be written as equal to a pi by L x. So this is where function of sine. So, ये जो k की value है उतना आ रहा है, a की value उतना आ गया, तो इस तरह से ये wave function जाए sine की जो value होगा, this is that value. अब इसके basis पर फिर हम different physics find करने की कोशिश कर रहे थे. So first we can calculate energy, second we can calculate probability. ये दोनों calculation हम कर सकते हैं. So that energy can be calculated is equal to, since k is equal to n pi by L, and this k is equal to, where this sphere k it is taken is equal to 2m e by h cross square. इस value को हमने यहाँ पे put कर दिया था, दोनों side test कर ले लिए थे, तो हमारे पास आया था 2m e h cross square is equal to n square pi square by L square. इसको हम लोगों ने e के लिए solve कर लिया था, so that e that energy E. So this E is equal to square transfer करने, so that is n square pi square h plus square by 2m L square. And this is energy E. ऐसे चूंकि यहाँ पर n states हैं, so this is represented as E n. It is equal to n square pi square h plus square by 2m L square. Since एक्स क्रास इसको दूसरे टर्म में लिखा जाता है, कुछ दूसरे एक अपॉन टू पाई, तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करें, पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, देन वी विल हैव एन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एच एम एल स्क्वायर. सो दिस इज दैट एनर्जी लेवल. सो डिफरेंट लेवल्स पर जो एनर्जी की वैल्यू है वो हम यहाँ से कैलकुलेट करने की कोशिश किए थे. सो लेट अस कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल एट डिफरेंट लेवल्स. Let us see the physics. So this is that box, and here there are discrete energy values. These are n is equal to 2, 3. So this is n is equal to 1, first ground state, n is equal to 2, this is first excited state, n is equal to 3, this is the second excited state. आइंस्टाइन कहता है, ये इस प्रकार के स्टेटमेंट दिया जाता है, हर ऑब्जेक्ट का अपने एक डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो ये वो एनर्जी लेवल्स हैं. और यहाँ पर एनर्जी की जो वैल्यू होगा वो हम यहाँ से पुट कर सकते हैं बाय पुटिंग दिस n इज इक्वल टू 1 2 3. सो बाय पुटिंग n, द फर्स्ट एनर्जी वैल्यू हियर, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू h क्रॉस स्क्वायर बाय hm l स्क्वायर. इसकी एनर्जी जो है इतना होगा, अगर पार्टिकल अगर इस एनर्जी वैल्यू पे कभी रहेगा जब उसकी एनर्जी इतने के बराबर हो. सेकंड हम यहाँ पे अगर कोई ले लें तो n की वैल्यू 2 रख दो, सो दिस इज 4 टाइम्स h स्क्वायर बाय h m l स्क्वायर. एंड थर्ड यहाँ पर 9 कर दो, सो दिस इज 9 h स्क्वायर बाय h m l स्क्वायर. तो ये डिफरेंट लेवल्स पर अगर वो पार्टिकल्स हैं, अगर वो पार्टिकल है तो उसमें एनर्जी इतनी होगी, अगर वो पार्टिकल यहाँ पे है तो उसकी एनर्जी इतनी होगी, अगर पार्टिकल इस लेवल पे है तो इसकी एनर्जी इतनी होगी. दिस इज द फिजिक्स. सेकंड हम इसमें वेव फंक्शन का भी हम लोगों ने प्लॉट किया था. सो दिस वेव फंक्शन वाज इक्वल टू, इट इज रिप्रेजेंटेड एज, दिस इज द सेम बॉक्स हैविंग दिस, दिस इज दैट वेव फंक्शन. सो वी विल रिप्रेजेंट दैट वेव फंक्शन, दिस इज psi 1, दिस विल बी psi 2, दिस इज psi 3. यस बोलो सर. कोई ज्वाइन होना चाहता, ज्वाइन नहीं हो पा रहा. कौन है भाई, ट्राई करने के लिए बोलो. हाँ सौम्या है सर, सौम्या. सौम्या हमेशा सौम्या के साथ ही प्रॉब्लम क्यों होती है, ज्वाइन करवाओ उसको सर. लेट ज्वाइन करती है सर. हाँ इसीलिए हमेशा सौम्या जो है लेट ज्वाइन करती है और उसके साथ हमेशा कोई प्रॉब्लम रहता है. अटेंडेंस के टाइम में करते हैं सर लोग स्क्रीनशॉट लेने के. हाँ समझ में गया मैं. देखिए अटेंडेंस इज इंपॉर्टेंट, आई नो. I think that study in physics is more important than the attendance. अगर by the way तुम सिर्फ attendance के इसमें पूरे class में attendance दे सकता हूँ, doesn't matter, मुझे उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर तुम class नहीं करते हो तो तुमको फर्क पड़ रहा है. Anyway, चलिए. So this is psi 1, psi 2, psi 3. ये हम wave function
यहाँ पे दिखाना चाहते हैं. सो साई वन दिस इज इक्वल टू दिस इज जस्ट द हाफ वेव दिस इज हाफ वेव. और ये लास्ट क्लास में इसको डिस्कस करने की कोशिश किए थे कि कैसे एन इज इक्वल टू वन करने पे हाफ वेव दिखता है. सो वी कैन हैव वन रिलेशन बिटवीन दैट एन एंड दैट वेव फंक्शन एंड दिस. सो दिस इज जीरो टू एल दिस इज जीरो टू एल. सो हियर what we have this k is equal to n pi l. This is one value. And the second, this k can be also written as equal to 2 pi by lambda. Agar in dono ko agar hum compare kare, so this lambda, so this is 2 pi by lambda, it is equal to n pi by l. Ye pi cancel ho gaya. So lambda is equal to this is 2 a, yeah, n is equal to lambda by 2, which multiplied by n. Is it right? Check the calculation. So this is, yes, okay. So this is n lambda by 2. So n ki value agar hum 1 rakh rahe hain, this for this side 1, n is equal to agar 1 rakh rahe hain, so we will have this half wave. And this is also true by using this relation, psi is equal to root of 2 by l sine n pi by l x. यहाँ पर भी अगर n की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो तब भी सेम सिचुएशन यहाँ पे आता है. और एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू होगा, दिस एम्पलीट्यूड इट इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज दैट एम्पलीट्यूड, दिस इज रूट ऑफ 2 बाय l एंड दिस इज कांस्टेंट फॉरएवर. यहाँ पर भी वही एम्पलीट्यूड होगा, इस केस में भी वही एम्पलीट्यूड होगा, लेकिन ये जो हाफ वेव होना है या डबल वेव होना है ये डिपेंड करेगा n के ऊपर. अगर भाई हम n इज इक्वल टू 2 अगर लेते हैं, देन वी विल हैव विद द सेम एम्पलीट्यूड. रिमेंबर दिस, ये जितना एम्पलीट्यूड है हमें इस एम्पलीट्यूड को उतना ही रखना है, लेकिन 3 पॉइंट्स पर ये 0 होगा. सो हियर दिस वेव फंक्शन साइज 0 एट द सेंटर, आल्सो द वेव फंक्शन साइज 0 एट दिस पॉइंट, दैट वेव फंक्शन साइज 0 एंड दिस डिपेंड्स ऑन दिस मैथमेटिकल टर्म. सो जस्ट वी आर कन्वर्टिंग दिस मैथमेटिक्स इनटू फिजिक्स. एंड थर्ड, दिस n इज इक्वल टू 3, व्हाट वी विल हैव, वी विल हैव द सेम वेव फंक्शन, दिस इज लाइक्स, सो दिस एम्पलीट्यूड दिस इज सेम, दैट इज रूट ऑफ 2 by l, and these are now 1, 2, 3, 4, 4 points ऐसे होंगे जिस points पर wave function psi की जो value होगी वो 0 होगी. Okay, so this is that representation of wave with plot. हम लोगों ने इसके साथ साथ psi square means probability को भी हम लोगों ने plot के through दिखाने की कोशिश किए थे. So the probability is this is that the box. So this is a box, and here this is 0, this is L, and this is first one, this is the second one, this is the third stitch, and this probability, this is psi square is represented by this, and this is nothing but it is equivalent to 2 by L, under root ke jagah mein ho gaya, just humne usko ye kar diya, second term jo rakha hai, that is sine square n pi by L x. So n ki value hum change karte chale. तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यू साइन आता है. तो दिस इज द फर्स्ट हियर, रिमेंबर दिस, ये जो पीक है इस पीक से इस पीक को ज्यादा होना पड़ेगा क्योंकि ये स्क्वायर के टर्म में है और यहां पर एम्पलीट्यूड जो है वो स्क्वायर के फॉर्म में है, दैट इज 2 बाय l. सो पीक बनाते समय थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा. तो द पीक विल बी, ऐसा मत करना कि ये जितना साइज दिख रहा है उसी साइज का नहीं, वो a स्क्वायर है तो उसका जस्ट डबल साइज, मतलब थोड़ा अच्छा पीक जो है अच्छी खासी दिखनी चाहिए. इन दिस केस This is the one, and दोनों पॉजिटिव होगा क्योंकि हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में ले रहे हैं. यहाँ पर ये पीक पॉजिटिव और दूसरे डायरेक्शन पर ये सिद्धार्थ प्रसाद ये भी ऐसी है ना. So we will have two comes and here we will have three. This is one, this is the second one, and this is the third one. So here these are the maximum amplitudes are here. So particle की पाए जाने की probability यहाँ पर है इस तरह से. तो यहाँ पर पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मैक्सिमम है, इसमें पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इन दोनों जगह पे है, यहाँ पर भी इक्वल प्रोबेबिलिटी है, इतनी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर पाए जाने की तो थ्री प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है, यहाँ पर भी, यहाँ पर तीन प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी पाया जा सकता है. मीन्स जैसे जैसे एनर्जी की वैल्यू बढ़ते जा रही है वैसे वैसे उस पार्टिकल की पोजिशन की जो प्रोबेबिलिटी है, पोजिशन की जो एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी है वो मल्टीपल होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है. मीन्स हम उसको लोकेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन वी कैन डिफाइन इट्स मोमेंटम.
So this is following that Heisenberg's uncertainty relation. So again, this is the particle in box. अभी तक इसमें किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन जल्दी से क्लियर हो गया? आदित्य सर ये मतलब जितने बार मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ रहेगा उतने जगह पे हम मतलब उसको लोकेट नहीं कर सकते लेकिन मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। हां क्लियर भाई, देखो यहां पर क्या पोजीशन में अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है, इसका पोजीशन फिक्स है एक जगह पर, यहीं पर कहीं पर यहां पर पाया जाएगा पार्टिकल इसी के बीच में, ठीक है। यहां पर एनर्जी वैल्यू उस पार्टिकल की एनर्जी कितने के बराबर होगा, उस पार्टिकल की एनर्जी होगा h2 / mL2, ये उस पार्टिकल की एनर्जी होगी और उसके पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो पार्टिकल इसके बीच में कहीं पर है, यहां पर वो पार्टिकल पाया जाएगा। लेकिन जैसे हमने उसकी एनर्जी बढ़ाया, इनर लेवल अगर बढ़ रहा है मतलब एनर्जी बढ़ रहा है, तो जैसे एनर्जी इतना हुआ तो उस केस में फिर वो पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है, इक्वल प्रोबेबिलिटी हो गई, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, मीन्स उसके पोजीशन में अनसर्टेनिटी हो गई, उसके पोजीशन में अनसर्टेनिटी हो गई, लेकिन चूंकि वेवलेंथ डिफाइंड है तो वी कैन कैलकुलेट हिज मोमेंटम। थर्ड केस में फिर से पोजीशन में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, यहाँ पर तीन अलग अलग जगह पर पाए जाने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, है ना। तो दिस इज दैट फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस साई एंड साई स्क्वायर। सर इसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? चलिए एक क्वेश्चन, पहला तो एक क्वेश्चन रहेगा कि जस्ट टू डिस्कस दैट द एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर्स टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन या पार्टिकल इन कैलकुलेट द वेव फंक्शन फॉर द पार्टिकल इनसाइड अ बॉक्स बाय यूजिंग श्रोडिंगर्स वेव फंक्शन बाय यूजिंग श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए आपको उस पार्टिकल इन बॉक्स का लिए वेव फंक्शन कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है। छोटे बड़े न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं, चलिए छोटा सा न्यूमेरिकल इस पे करके देखते हैं। सो लेट अस स्टार्ट वन न्यूमेरिकल जिससे थोड़ा सा ये क्लियर होने के चांस है, हालांकि जितने बार इसको ड्राइव करोगे ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल करोगे कि और क्लियर होगा, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स है थोड़ा सा मेहनत तो मांगता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पार्टिकल इज ट्रैप्ड इन अ बॉक्स दैट अ पार्टिकल इज trapped in a box L, box L, wide can be found between 0.45L and 0.55L for the ground and the first excited state. Can be found between 0.45L and 0.55L in further ground and first excited state. For the ground and first excited state. चलिए इसको दो तीन बार पढ़ो उस क्वेश्चन को। डायरेक्ट ये पार्टिकल इन बॉक्स का ये प्रॉब्लम है। तो व्हाट यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, मींस यू हैव टू फाइंड दैट साइज स्क्वायर that a particle is trapped in a box L, एक L size का box है, so this is that box and this is 0 and this is L, and that particle is trapped in between, range दे दिया गया है, this is that range, L की value दे दिया गया है, that is in between somewhere here, so here this is let's say 0.45L and this is 0.55L, तो यहाँ पर इस range पे ये particle trapped है और किस पे कैलकुलेट करना है, एट द ग्राउंड स्टेज एंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज,
So this is that energy value n is equal to 1, this is ground state, and this n is equal to 2, this is excited state, the first excited state. अगर second excited state कहा जाता तो तीसरे position पे भी आपको calculate करना पड़ता. So here, let's say, in the third excited state, n is equal to 2, n is equal to 2. हमें probability calculate करनी है. अब साई की वैल्यू तुम्हें पता है, तुमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है. दिस इज साई एन इक्वल टू रूट ऑफ 2 बाय एल साइन एन पाई बाय एल एक्स. दिस इज दैट वेव फंक्शन साई फॉर अ पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स साइज एल. अगर ये एल साइज दिया तो यहां पर एल करना है. अगर साइज की वैल्यू अगर किसी प्रॉब्लम में अगर ए दे दिया तो यू हैव टू पुट ए हियर एंड ए हियर. ओके, and now what you have to find, you have to find this probability p, that is integration of sin square dx. ये probability है, ये तुमको find करनी है. range is from this 0.45 to 0.55 l. so here you have to find this 0.45 l to 0.55 l. तो लिमिट जो हम लोग रखते थे 0 से l, पूरा बॉक्स को लेते थे, उस पूरे बॉक्स को ना लेकर के हमें इस रेंज को लेना है. इस रेंज के हमें यहां पर पार्टिकल की पाई जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है ये कैलकुलेट करनी है, यहां पर पार्टिकल की पाई जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है ये कैलकुलेट करनी है. तो चलिए स्टार्ट हो जाइए. सो साइन, दिस इज साइन, यू हैव टू फाइंड द साइन स्क्वायर, इंटीग्रेट करनी है. इंटीग्रेट करने के बाद फिर आपको ये लिमिट लेनी है, और लिमिट लेकर के आप पीएन कैलकुलेट करनी है. पहले है एन इक्वल टू 1 एंड देन एन इक्वल टू 2, जल्दी करते जाइए. एक बार इंटीग्रेशन किए हो, हो रहा है? सर एक डाउट है, इसमें एल कांस्टेंट बन के बाहर आ जाएगा ना, तो उसमें एल की वैल्यू क्या पुट करेंगे, क्योंकि लिमिट में तो 0.45 और 0.55 है. एक्स के जगह में, एक्स के जगह में 0.45 एल करना है ना. This is 0.45L and this is 0.55L. लिमिट की पोजीशन पे आ जाएगा, लेकिन जब हम लोग मतलब इंटीग्रेट करके बाहर निकालेंगे तो L को कांस्टेंट करके बाहर आ जाएगा. हाँ, L को कांस्टेंट करके बाहर लाओ, लेकिन X को X के जगह में पुट करो ना उसको. You have to put in place of X.
सर एल को ऐसे छोड़ दो ना। हाँ, एल को तेल रखेंगे, लेकिन तुमको लिमिट जो है वो एक्स के जगह में पुट करना होगा ना। यस सर। हाँ, हमारे पास जो इंटीग्रेशन आएगा उस इंटीग्रेशन में क्या होगा, 0.1 by L आंसर आ रहा है सो ग्राउंड स्टेट पे। दिस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 2 by L साइन स्क्वायर, दिस इज एन पाई बाई एन एक्स, इसको इंटीग्रेट करनी है। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, तुम लोगों ने इसको साइन स्क्वायर एक्स एंड एक्स इसकी वैल्यू कितनी होती है, दिस इज इक्वल 1 टू, माइनस कॉस 2x/2। हाँ, 1 माइनस कॉस 2x/2, ये उसका इंटीग्रेशन होता है। हाँ, अब इस वैल्यू को तुम कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू 2 बाई एल इज कॉमन एंड दिस इज टू बी दिस कॉमन विल बी माय बाहर एक्स आ ना, जाएगा डिवाइडेड बाय। यस दिस इज सर, यस एक्स सर, ना, दिस इज यस एक्स, सर। एक्स माइनस कास्ट टू एक्स बाय टू ये होगा। नो सर, वन बनेगा जब ये इंटीग्रेट होगा तो एक्स वन के बाहर आ जाएगा ना। हाँ, यस, मैं इंटीग्रेशन के बाद तो पूछ रहा था, है ना, तो तुमने डायरेक्ट बताया तो ये हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा, पहले इंटीग्रेट कर ले। ओके ओके, चलिए इसको, मुझे लगा तुम इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन के बाद बताया हो। डी एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस साइन टू एक्स बाई साइन टू एक्स बाई टू एंड हाफ साइन 2x/2 ऐसा होगा। इज इट ओके, है ना, ठीक है ना। तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, cos का इंटीग्रेशन हो गया साइन 2x/2 एंड हाफ, दिस हाफ इज कॉमन हियर। ओके, सो इसको यहां पे पुट कर दो तुम एंड दिस इंटीग्रेशन ऑफ, प्लेस पे सर एक्स के प्लेस हाँ पे एन पाई एक्स बाई एल आएगा तो हाँ यस, इसके जगह पे फिर अपन यहाँ पे, हाँ यहाँ पर देखो इसमें भी एन पाई एक्स आ रहा है ना, एक्स के जगह में तुमको लिमिट पुट करनी है, यहाँ पर भी एक्स आ रहा है ना, इसके जगह में तुमको लिमिट पुट करनी है। यस सर, तो ओके वो भी कांस्टेंट सो करके बन के आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर जो रहेगा सो दिस दिस इज इक्वल टू डी एक्स, इट इज इक्वल टू 2 by L, दिस इज कॉमन एंड दिस इज एक्स माइनस साइन 2 n π l x बाई, ये जो वैल्यू है ये टोटल वैल्यू जो है वो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगा n π/2, दैट इज n π × 10 × 2, दिस इज इक्वल टू 0.4510 to 0.55। तो यहाँ पर एक एक्स यहाँ पर भी है, एक एक्स यहाँ पे भी है, उसको पुट करोगे सॉल्व करोगे हाँ, तुम्हारी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी वो आएगी। एक बार एन की वैल्यू 1 रख लेना, पहले फॉर एन इज इक्वल टू 1 एंड देन फॉर एन इज इक्वल टू 2, दोनों के लिए अलग अलग सॉल्व करनी पड़ेगी। So in order to understand this quantum physics, you should have the knowledge of differential equation, you should have the knowledge of integration, differentiation, as well as trigonometry. इसमें जितने फंक्शंस रहते हैं उसमें एक्सपोनेंशियल के टर्म में आता है, साइन के टर्म में आता है, कॉस के टर्म में आता है, साथ ही साथ थोड़ा सा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन,
हाँ ये तुम्हें आनी चाहिए। सर सर कितना साइन के आया? साथ कुछ भी पाई होगा तो वो तो जीरो बन जाएगा ना क्यों सर। साइन पाई हर केस में तो पाई? जीरो नहीं होता है नहीं नहीं पाई का अगर कोई वैध में वो इवन मल्टीपल आता है, इंटीग्रल मल्टीपल रहता है जीरो से, तब वो जीरो होता है। साइन जीरो इज जीरो, साइन पाई इज जीरो, साइन टू पाई इज जीरो, ऐसा रहता है ना। यस सारे सर। पाई की वैल्यू जीरो नहीं होता भाई। हाँ तो यहाँ पर जैसे तुम एक्स की वैल्यू अगर तुम रखना है वो 0.55 L, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो वो डिफरेंस आएगा ना। थोड़ा सा तुम अपना कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके देखो जितनी वैल्यू आती है उतनी। हालांकि थोड़ा सा टिपिकल मैथमेटिक्स हो गया है, लेकिन इफ यू हैव कैलकुलेटर यू कैन डू इट। विपुल देवांगन तुमसे बन रहा है? दिमाग लगाओ बेटा, थोड़ा सा जब दिमाग लगाओगे है ना, थोड़ा मेहनत यस करोगे आई तो ट्राई। बनेगा। ट्राई करो। हाँ ऐसा छोड़ना नहीं। हाँ अगर छोड़ोगे तो ये बनेगा नहीं, इस तरह की प्रॉब्लम जो है। सर ये क्वेश्चन पेपर में पूछता है वाला? पूछा जा सकता है? क्यों नहीं पूछा जा सकता भाई, वो अभी तुम चूंकि एक भी बार बनाया नहीं होगा, तुमको ये लग रहा है थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन कर दिया मैंने, लेकिन जब एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जाकर तुम सॉल्व कर लोगे ना तो ये तुमको इजी लगने लगेगा। मैं तो जस्ट बताने के लिए कि भाई फिजिक्स में इन चीजों को हम जब उसको विजुलाइज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो क्या होता है, कहाँ पे कितनी प्रॉबिलिटी होती है। सर यूजली कितने मार्क्स का आता है ये क्वेश्चन अगर आएगा भी तो? 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, न्यूमेरिकल 4 to 5 मार्क्स रहते हैं, और जो डेरिवेशन रहेंगे वो 7 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। सर फिजिक्स में 10 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते ना एग्जाम में? जनरली 10 मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, 7 to 8 मार्क्स। हाँ 2 नंबर का छोटा सा नंबरिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और अगर नंबरिकल्स हैं तो 4 4 मार्क्स के नंबरिकल्स, या कभी अगर कोई बड़ा नंबरिकल जैसे ये हो गया तो दिस इज 5 मार्क्स नंबरिकल, तो इसके साथ में 3 नंबर का एक और नंबरिकल छोटा सा, या कोई छोटा मोटा डेफिनेशन वगैरह दे करके 3 नंबर, 8 नंबर हो टोटल जाएगा। 8 नंबर का। हाँ 8 नंबर पे यस कर सर। दिया जाए। एक्चुअली 1 यूनिट 20 मार्क्स का होते हैं, तो 20 मार्क्स को डिवाइड किया जाता है दो छोटे छोटे क्वेश्चन, दिस इज 2 2 8 8, ऐसा रहता है ना। तो दो छोटे छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं, और दो जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ये बड़े क्वेश्चन में या तो डेरिवेशन सिंगल हो गया, या इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है कभी कभी, 4 4 मार्क्स का, या आर 5 3 मार्क्स का, दो क्वेश्चंस इसको किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन दैट साइज ऑफ दिस न्यूमेरिकल्स, या ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन कठिन हुआ तो। सर ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू टाइप या फिलअप्स टाइप क्या? एमसी टाइप क्वेश्चंस भी हो सकता है एमसीक्यू टाइप से, या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, व्हाट इज दैट व्हाट इज दिस, या राइट द डिफरेंस, राइट द टू डिफरेंसेस बिटवीन इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन, लाइक दैट है ना, इस तरह की चीजें पूछा जाता है। आंसर बता दो फिर तुम लोग लेके ले आना, है ना। इन द फर्स्ट केस द प्रोबेबिलिटी इज फॉर एन इज इक्वल टू वन, द प्रोबेबिलिटी इज दिस 19.8%, एंड इन द सेकंड स्टेज द प्रोबेबिलिटी फॉर एन इज इक्वल टू टू इट्स 0.065%, 0.65%। मीन्स जैसे जैसे उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम होती जा रही है, तो एट एन इक्वल टू वन प्रोबेबिलिटी इज 19.8%, परसेंटेज ये ध्यान में रखना ना, इट्स डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, सो 0.65%, इसको परसेंट में लिखना है। ओके सो सॉल्व दिस, है ना, और तुम अपनी कॉपी में अच्छे से बना करके रखना।
ये तुम्हारे नोट्स के फॉर्म में रहे, मैं कभी मंगाऊं तो इसको तुमको स्कैन करके मुझे भेजना है।